हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कार्बन फिल्टर जो हमारे आर ओ में यूज होता है उसके अंदर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसे काट कर देखने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हेक्सा ब्लेड का यूज़ करा हूँ। तो जल्दी से मैं इसे काट लेता हूँ, यहाँ से काटूँगा मैं दोस्तों। ये फ्रेंड्स कट रहा है यहाँ पर काफ़ी आसानी से। दोस्तों, इसे काटने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं इसे काट लेता हूँ। कट तो गया है, अभी थोड़ा सा और काटना है मुझे। मैं इसे तोड़ कर देखता हूँ, अगर टूट जाता है ठीक रहेगा। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत देर मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही टाइट है, मैंने बहुत कोशिश किया पर ये नहीं टूटा। इस वीडियो को मैं धूप में बना रहा हूँ दोस्तों, और गर्मी का बहुत ही पसीना आ रहा है इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं फाइनली दोस्तों, ये कट गया है। इसके अंदर कुछ कॉटन जैसा कुछ फोम है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। ये तो स्पंज है दोस्तों, और इसके अंदर भी कुछ है। इसके अंदर ब्लैक पाउडर है दोस्तों, जो चारकोल होता है, और ये इसमें कागज़ है दोस्तों। यहाँ पर कुछ है जिसे मुझे पेचकस से निकालना पड़ेगा, तो मैं पेचकस लेकर आ गया हूँ। और हम इस पेचकस से इसे निकालते फिर निकल गया है। और इसके अंदर ये ब्लैक कलर का पाउडर है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी पाउडर से, ये पाउडर नहीं दोस्तों, ये चारकोल है, और इससे हमारा वाटर जो है प्योरीफाई होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।